Hello everyone, welcome to Aviso Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English lesson 3 discovering 2 the saga continues. And today's video lecture we will see some important question answers. So let's start. यहाँ पे 4 important question दिए हुए हैं. इन questions के हमें answer देने हैं. So start करते हैं first question. List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिस्ट बनाना है कि जो रे जॉनसन है, रे जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है कि Akhenaten एक तरह से wacky है, यानी एक पागल है. यानी Akhenaten को wacky क्यों कहा गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है. सो आंसर है फेरो Amenhotep IV succeeded to the throne after the death of his father Amenhotep III. He started one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. He began the worship of the Aten, the sun disk. He changed his name to Akhenaten, the servant of Aten. यहाँ पे जो Akhenaten है उनके बारे में बातचीत चल रही है. जो Akhenaten है उसका जो नाम था, प्रारंभिक नाम था, वो था Amenhotep IV और ये थे Amenhotep III के बेटे. बट होता क्या है कि ये बाद में अपना नाम चेंज करा करके क्या कर देता है, Akhenaten कर देता है. Akhenaten, Aten word. जो Aten थे, Aten एक गॉड थे और ये जो फेरो था, ये जो किंग था, वो Aten को मानता था और लोगों को भी फोर्स करता था कि लोग जो है Aten की पूजा करें. एंड इसलिए इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया था, Akhenaten कर दिया था. और जिसका मीनिंग क्या होता है, सर्वेंट ऑफ Aten होता है. ही शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten. दिस इज नोन एज अमरना. He further gave an extreme surprise to the countrymen by attacking the man god Amun. He not only shattered his image but closed his temples also. It is due to all this that Ray Johnson, the director of University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes, described Akhenaten as wacky and called the time a really horrific time. He said that the family that had ruled for centuries was coming to an end. And इस तरह से जो wacky था, wacky means जो Akhenaten था, Akhenaten था, वो अपनी जो जहाँ पे रहता था जिसका नाम था थेबेस, वहाँ से वो शिफ्ट होकर के एक नई सिटी पे चला जाता है जो कि आज की डेट में अमरना के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा इन्होंने लोगों के साथ ऐसी कई सारी चीज़ें की जो कि निंदनीय है. जो देशवासी है, जो वहाँ के लोग थे, कंट्रीमैन थे, उनके जो मंदिर थे, गॉड थे, मूर्तियाँ थी, उनको तुड़वाया गया. जो लोग थे उस ज़माने में वो Amun को मानते थे, गॉड Amun को, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इनकी मूर्ति को तुड़वा दिए थे, कई टुकड़ों में बिखरवा दिए थे. इसके अलावा वो कई मंदिर वगैरह भी तुड़वाए थे और लोगों को ये फोर्स करते थे कि वो Amun की पूजा ना करें, बल्कि वो जिनको वो मानते थे, जैसे वो मानते थे Aten को, तो Aten की पूजा को वो करने के लिए फोर्स करते थे लोगों को. और इसी वजह से उन्हें कहा गया है कि वो एक तरह से wacky थे, पागल थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिटी स्कैन का क्या रिजल्ट था, क्या परिणाम था जब सिटी स्कैन किया गया किंग टूट का. किंग टूट का सिटी स्कैन क्यों किया गया था, क्योंकि उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, बहुत ही जल्दी हो गई थी. इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे किंग थे और उनकी अचानक से जब मृत्यु हो गई तो उनका सिटी स्कैन किया गया. जब सिटी स्कैन किया गया तब उनके क्या परिणाम थे. सो आंसर किंग टूट्स डेथ वॉज अ बिग हैपनिंग इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स. ही वॉज द लास्ट एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, ऑफ हिज फैमिली लाइन. हिज फ्यूनरल बिकेम देयर फॉर द डेथ बेल ऑफ अ डायनेस्टी बट ऑल द पर्टिकुलर ऑफ हिज डेथ एंड द आफ्टर मार्थ आर नॉट एट ऑल क्लियर.
more than 3,300 years after death, Tut's mummy was put into a CT scanner to know the delayed medical mysteries of this young pharaoh Tut. So, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि किंग टूट की जो डेथ है बहुत ही कम एज में हो गई थी एंड वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही पावरफुल फैमिली, बहुत ही धनवान फैमिली से बिलोंग करते थे और उनमें से वो एक अंतिम उत्तराधिकारी थी और जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आई। तो उसके बाद उनकी डेथ की 3300 वर्ष बाद उनकी बॉडी का, उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। क्यों किया गया? ताकि ये पता लगाया जा सके कि रहस्य क्या है, उनकी डेथ का रीज़न क्या है। इसके अलावा टूट्स एंटायर बॉडी वॉज स्कैन बाई अ सीटी स्कैन सीटी मशीन, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोग्राफी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटमी प्रॉब द सीक्रेट्स। द रिजल्ट्स पुल्ड अप एस्ट्रोनाइजिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब जब उनका सीटी स्कैन किया गया उनकी बॉडी का, तो कई सारी चीज़ें सामने आई, जैसे अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ डॉट्स। सो उनके हेड, उनका जो सिर था, उनका सिर उस समय, क्योंकि डेथ के बहुत वर्षों बाद उनका जो हेड था वो भूरा कलर का हो गया था और उसमें क्या दिखाई दे रहे थे? डॉट्स दिखाई दे रहे थे, बिखरे हुए डॉट्स दिखाई दे रहे थे। नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड सो क्लियर एज इन आर्ट एनाटमी क्लास। और उनका जो गला है, उनके गले की जो हड्डी है वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। अदर इमेज रिवेल्ड अ हैंड, और अन्य इमेज में उनके जो हाथ है वो दिखाई दे रहे थे। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और कई इमेज में उनकी जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो दिखाई दे रही थी। अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और उनकी जो खोपड़ी है वो भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही थी। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी और इससे ये पता लगाया जा सकता था कि उनकी डेथ कब हुई थी, कितने वर्ष पहले हुई थी, और उनकी डेथ जब हुई थी तो उस समय उनकी एज क्या थी। तो ये सारी चीज़ें पता लगाई गई थी सिटी स्कैन के द्वारा। तो ये सब परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट The advances in technology that have improved forensic analysis। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एडवांस है टेक्नोलॉजी में, जो एडवांस है वो एडवांस चीज़ें जो है वो क्या इम्प्रूव किए हैं फॉरेंसिक एनालिसिस में, यानी फॉरेंसिक जांच में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं। सो आंसर है, दिस डेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग इज डन विथ द लेटेस्ट मशीन्स। It is done with the help of computed tomography or CT scanner. CT को कहते हैं computed tomography. This CT scanner puts hundreds of X-rays in a cross-section like slice of bread to produce a three-dimensional 3D virtual body. एंड जो सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन में कई तरह के मीन्स हंड्रेड या बोल सकते हैं हजारों एक्सरे जो है वो क्रॉस सेक्शन में दिखाए जाते हैं, जिसमें जो बॉडी है उनको थ्री डायमेंशनल में दिखाया जाता है, त्रिविमी में दिखाया जाता है, कई स्लाइसेस में दिखाया जाता है। अ सिटी स्कैनर कैन हेल्प एग्जामिन द मेडिकल सीक्रेट्स ऑफ द ममीज बर्ड इन pyramids thousands years ago. This advance of CT scan medical technology has helped in forensic analysis by offering new clues not only about life but also about death of a person. और CT scan से हम कई सारी चीज़ें कई सारी जानकारियाँ ले सकते हैं कि जो डेथ हुई है, डेथ की वजह क्या है और क्या क्या वजह, कब उनकी डेथ हुई थी, मीन्स कितने वर्ष पहले इनकी डेथ हुई थी या फिर उनकी एज का क्या रही होगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी ली जा सकती है। वो भी मृत्यु के बाद भी CT scan कर सकते हैं, मृत्यु से पहले भी। More than 3,300 years after the death of the body, Pharaoh Tut, a CT scan of his mummy from head to toe was done. It created 1,700 digital X-ray images of his mummy dead body in cross section. His head was scanned in 0.62 millimeter slices to record his
complicated structures, his entire body was similarly scanned in parts. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. Then a team of experts in radiology, forensics and anatomy began to examine the precise data for an accurate forensic reconstruction. And is tarah se unki death ke 3300 years baad unki jo body, unki jo mummy hai, unka CT scan kiya gaya aur unse kai sare cheeze samne aayi. 1700 digital x-ray jo image hai wo prapt kiye gaya and 0.62 millimeter slices mein unki jo body hai unka parikshan kiya gaya ki kya wajah hai, kaisa hai, ye sari cheeze. And is tarah se unki jo body hai unka परीक्षण किया गया कि उनकी डेथ का जो सही रीज़न है वो क्या है. और वो पहले किंग थे जिनका सीटी स्कैन किया गया, जिनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया. वैसे तो कई सारे राजाएं आए बट उनमें से वो पहले राजा थे जिनकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया. और इस तरह से आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कथन है कि King Tut की जो मम्मी है उनका CT स्कैन किया गया और वो ही पहले राजा थे जिनकी मम्मी का CT स्कैन किया गया, वो भी आफ्टर मृत्यु, आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद. क्योंकि लोगों की जो बॉडी है उनका CT स्कैन किया जाना, यानी नॉर्मली, यानी जब जीवित अवस्था में लोग रहते हैं तो CT स्कैन करना एक नॉर्मल सी बात है, बट मृत्यु के बाद CT स्कैन करना ये थोड़ा अलग था. सो उनमें से ये फर्स्ट किंग थे, यानी जो किंग टूट थे उनकी मम्मी का CT स्कैन करना ये फर्स्ट किंग थे. सो इस कथन को हमें देखना है. सो आंसर है, टूट्स मम्मी वॉज फर्स्ट टू बी स्कैन, दी ओनली पर्पज वॉज टू रिवील हाउ द बॉडी King made his untimely death. The main aim was also to reveal Tut's age at the time of his death. So, उनकी बॉडी का, उनकी मम्मी का सीटी स्कैन करने का जो मेन जो मकसद था वो ये था कि उनकी डेथ का सही रीज़न क्या है, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी. सो जो असली वजह है, किस वजह से उनकी डेथ हुई, क्या किसी ने उनकी हत्या की है या फिर किसी और वजह से उनकी डेथ हुई है, ये पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया गया. और दूसरी चीज़ ये है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उस समय उनकी एज क्या थी, यानी बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी. सो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए उनका सीटी स्कैन किया गया. सो इसीलिए ये जो कथन है, किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, ये जो कथन है इसी वजह से है कि ये सारी जानकारी लेनी ज़रूरी थी और इसीलिए उनका सीटी स्कैन किया गया. सो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.